10 दिनों बाद जगदानंद सिंह वापस आ चुके हैं, आरजेडी दफ्तर भी पहुंचे, और आरजेडी दफ्तर पहुंचते ही उन्होंने सबसे बड़ा फैसला ये लिया कि तेज प्रताप यादव के सबसे खास कहे जाने वाले आकाश यादव, जो कि आरजेडी छात्र के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्ष पद को छीन लिया। और उसके अलावा गगन सिंह, यानी कि आकाश यादव की जगह गगन जो है, गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मनोनीत कर दिया गया। इस दौरान तेजस्वी यादव भी पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया था और कहा था कि कुर्सी किसी की बपौती जो है वो नहीं होती है, और इस बात से लगातार जगदानंद सिंह जो है वो नाराज चल रहे थे। इससे पहले भी कई दफ़ा देखा गया है कि जगदानंद सिंह को लेकर के तेज प्रताप यादव अलग रूप में दिखते हैं और कड़े शब्दों का इस्तेमाल जगदानंद सिंह के लिए करते हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये बात कही, और इस बात के बाद जगदानंद सिंह 10 दिनों से पार्टी दफ्तर जो है वो नहीं आ रहे थे, और आज जगदानंद सिंह पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचते हैं। 10 नंबर आवास में आरजेडी के अन्य नेताओं के साथ एक लंबी चौड़ी मीटिंग जो है वो होती है, और उसके बाद से आखिरकार जगदानंद सिंह को मना लिया जाता है। जगदानंद सिंह भले ही मीडिया के सामने आकर के कुछ नहीं कहते हैं, उनकी गाड़ी जो है वो आवास के अंदर जाती है, और उसके बाद से चुपचाप जगदानंद सिंह वहां से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद से सीधे प्रदेश कार्यालय पहुंचकर सबसे बड़ा फैसला उन्होंने लिया है कि तेज प्रताप यादव के खास कहे जाने वाले छात्र राजद के अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटा दिया गया है। मगर सवाल ये है कि आखिर जगदानंद सिंह ने सिर्फ इसलिए ही ये काम किया? क्या आकाश यादव के हटाए जाने से क्या तेज प्रताप यादव अब उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे? यहाँ तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि अब पार्टी के अंदर जो तेज प्रताप यादव हो या फिर अन्य नेता हो, वो जगदानंद सिंह के ऊपर अब सवाल जो है वो नहीं करेंगे। ये मनाया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, और तेजस्वी यादव की बातों को मान करके प्रदेश अध्यक्ष 10 दिनों बाद पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, और सबसे बड़ा फैसला लिया, आकाश की जगह पर गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और उनके हाथ में अब छात्र राजद जो है वो जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जगदा बाबू ने तेज प्रताप यादव से ये बदला लिया है, उसके बाद से आखिर तेज प्रताप यादव जो है वो क्या कुछ करते हैं और उनका रुख जो है वो क्या होता है। क्या तेज प्रताप यादव अब खामोश हो जाएंगे या फिर तेज प्रताप यादव अपने अंदाज में ही दिखेंगे, वही अंदाज जो लगातार आक्रामक रूप में दिखते हैं तेज प्रताप यादव, और ज़रा भी नहीं हिचकते हैं जगदानंद सिंह के खिलाफ बोलने में। ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।